हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के व्हाट इफ एनालिसिस को यूज करना डिस्कस करेंगे। व्हाट इफ एनालिसिस के द्वारा यह एनालाइज किया जाता है कि वर्कशीट की सेल वैल्यूज को चेंज करने से फॉर्मूले के रिजल्ट पर क्या और कितना इफेक्ट पड़ता है। एक्सेल तीन तरह के व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स प्रोवाइड करता है, सिनेरियोस, गोल सिक एंड डाटा टेबल्स। आइए इन तीनों टूल्स को वन बाय वन यूज करना देखें। फर्स्ट टूल है सिनेरियो मैनेजर, जो कि डेटा के अलग अलग सिनेरियोस को ट्रैक करने के लिए एक बेहतरीन टूल है और यूजर को एक साथ 32 सेल्स तक की वैल्यूज को चेंज करना अलाउ करता है। व्हाट इफ एनालिसिस को यूज करने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया स्टूडेंट की मार्कशीट, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स ने कुछ मार्क्स अचीव करे हुए हैं। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा करके टोटल कैलकुलेट कर रखा है, परसेंटेज कैलकुलेट कर रखी है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर एक ग्रेड असाइन कर रखी है। व्हाट इफ एनालिसिस अप्लाई करने के लिए आप डेटा मेन्यू पर जाइए और यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए व्हाट इफ एनालिसिस और इसके अंदर सिनेरियो मैनेजर। यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर दीजिए, इसका कुछ नाम रखिए। मान लीजिए हमने रखा साइंस एंड मैथ, तो हम साइंस और मैथ की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो इसके लिए चेंजिंग सेल्स को चेंज कीजिए, साइंस और मैथ दो को सिलेक्ट कर दिया हमने यहाँ पर से। यहाँ पर कोई कमेंट अगर आपको कुछ देना है तो आप वो चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद प्रिवेंट चेंजेस, जो कि प्रोटेक्शन है आपके नंबर्स वैल्यूज को चेंज ना होने दे, तो हम इसको ऑन रखेंगे और यहाँ पर कर देते हैं हम ओके। अब ये देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यूज पूछ रहा है कितनी वैल्यूज देनी है, तो आप जो भी वैल्यू यहाँ पर देना चाहते हैं वो वैल्यू इस सिनेरियो के लिए दे दीजिए। हमने ये कर दी, ये हुआ हमारा फर्स्ट सिनेरियो। अगर हम इसी तरीके से सिनेरियो कोई और ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। मान लीजिए हमने दे दिया मैथ और इंग्लिश, और इसी तरीके से सेल्स को चेंज करना है हमें मैथ को और इंग्लिश को, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू दे दीजिए। कमेंट कुछ देना है तो वो दे दीजिए और फिर ओके पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर इसकी वैल्यूज आप क्या देना चाहते हैं वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो एक साथ हम 32 वैल्यूज तक साइमल्टेनियसली अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ दो वैल्यूज को अपडेट कर रहे हैं। ओके पे क्लिक कीजिए। इसी तरीके से आप और सिनेरियो बनाना चाहते हैं तो वो सिनेरियोज यहाँ पर बनाते जाइए कि किन वैल्यूज के अंदर, किन सेल्स के अंदर हम वैल्यू को अपडेट करें तो हमारे पास रिजल्ट में इफेक्ट आए। अब हमें इसे देखना है कि हमारे सिनेरियो बनाने पर क्या इफेक्ट पड़ा। हम करेंगे यहाँ पर समरी, समरी पर क्लिक कीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर सिनेरियो समरी, इसके अंदर आप सिलेक्ट कर दीजिए कि किन रिजल्ट्स को आप देखना चाहते हैं इन सेल वैल्यूज को चेंज करने के बाद। ओके पे क्लिक कीजिए। ये देखिए सिनेरियो समरी, एक और हमारे पास शीट खुल गई है और यहाँ पर ये देखिए कि हमने जब करंट वैल्यूज थी तो हमारे पास रिजल्ट ये आ रहा था, या फिर साइंस और मैथ के अंदर जो हमने चेंज किया तो उससे क्या इफेक्ट पड़ा, मैथ और इंग्लिश पे चेंज किया तो हमारे पास क्या इफेक्ट आ गया। तो ये हो गया हमारे पास सिनेरियो। वापिस आते हैं हम, अगर फिर से हम कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो डेटा में फिर से आप व्हाट इफ एनालिसिस पर जाइए, सिनेरियो मैनेजर पर क्लिक कीजिए। इसके अंदर कोई एडिट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। अगर आप अपने सिनेरियोज को मर्ज करना चाहते हैं और शीट्स के अंदर, तो वो आप मर्ज कर सकते हैं। शीट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर मर्जिंग कर दीजिए। ओके, समरी हम देख चुके हैं। अगर हम यहाँ पर इसे डायरेक्टली शो करना चाहते हैं तो हमारी जो वर्कशीट खुली हुई है इसी पर इसके अंदर चेंजेस दिखाई देंगे। ये देखिए हमने करा तो ये हमारे पास वैल्यूज अपडेट हो गई। ओके, सिमिलरली मैथ और इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ मैं और मैंने कहा शो, तो ये देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू अपडेट हो गई। ओके, तो ये हमारे पास इफेक्ट दिखा रहा है कि क्या पड़ेगा हमारे रिजल्ट के ऊपर। तो ये था सिनेरियो मैनेजर। सेकेंड टूल है गोल सिक, जो कि एक बैक सॉल्विंग टूल है और यूजर को एक ऑलरेडी नोन आउटपुट के अकॉर्डिंग इनपुट वैल्यूज पता करने में हेल्प करता है। गोल सिक के अंदर आप सेल की वैल्यू को सेट कर सकते हैं जो कि हमें एज ए रिजल्ट चाहिए। यहां पर मान लीजिए हमने परसेंटेज जो 70 थी उसको सेट किया वैल्यू 80 पर, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें किस सेल की वैल्यू को चेंज करना है। मान लीजिए संस्कृत जैसे ब्लैंक पड़ा हुआ था, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं चेंजिंग सेल के अंदर। यहाँ पर एक कंस्टेंट है कि सिर्फ एक ही सेल की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, तो हमने जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे देखिए संस्कृत वैल्यू के अंदर क्या डिफरेंट आएगा। ये देखिए यहाँ पर 60 आ गया अपने आप और परसेंटेज 80 जो हमने टारगेट वैल्यू सेट करी थी वो अचीव हो गई। तो आउटपुट के अकॉर्डिंग इनपुट वैल्यू गोल सिक में चेंज हो सकती है। थर्ड टूल है डेटा टेबल, जो कि यूजर को फॉर्मूलाज के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन में इनपुट वैल्यूज ट्राई करते हुए यह एक्सपेरिमेंट करना अलाउ करता है कि उन चेंजेस से फॉर्मूले के आउटपुट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा।
मान लीजिए इस मार्कशीट में संस्कृत के जो मार्क्स हैं इन्हें हम चेंजेस करके देखते हैं कि हमारे आउटपुट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके लिए हम एक डाटा टेबल बनाते हैं, हमने लिखा संस्कृत और यहाँ ऊपर जो हम लिखेंगे इक्वल टू, और इसके अंदर जिस वैल्यू के हम रिजल्ट देखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। सिमिलरली ग्रेड भी देखना चाहते हैं तो आप ग्रेड पर भी क्लिक कर दीजिए और ये ओके लिख दीजिए। अब आप कितने कितने मार्क्स पर वेरिएशन देखना चाहते हैं, जैसे 30 मार्क्स आए हुए थे तब हमारा रिजल्ट ये था, अब हम मान लीजिए चाहते हैं 40 पर, 50 पर, 60 पर, 70 पर और 80 पर। ओके, तो ये हमारे पास एक टेबल बन गई, इसको सिलेक्ट कीजिए और वट इफ एनालिसिस पर जाइए, यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए डेटा टेबल। अब ये हमारे पास रो नहीं है, ये कॉलम है, तो हम कॉलम इनपुट सेल पर क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ पर संस्कृत पर क्लिक कर देंगे और आप कीजिए यहाँ पर ओके। अब ये देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑफ संस्कृत, अगर 40 मार्क्स होते हैं तो ये पूरी की पूरी वैल्यूज ऐसी कैसी रहेंगी और हमारे पास क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि ये जो टोटल मार्क्स है एग्रीगेट है वो 76.7 हो जाएगा और ग्रेड बी हो जाएगा। सिमिलरली अगर मार्क्स संस्कृत में 70 हो गए तो टोटल में एग्रीगेट जो हो जाएगा वो 81.7 हो जाएगा और ग्रेड ए हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एक डेटा टेबल बना सकते हैं बाय चेंजिंग द इनपुट वैल्यूज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रिजल्टेंट। मान लीजिए हम दो सेल्स जैसे संस्कृत और मैथ इन दोनों की वैल्यूज को अपडेट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि रिजल्ट पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। इन तीनों में से जिसकी भी आपको वैल्यू को अपडेट करवा के देखना है वो रख लीजिए। मान लीजिए हमने कहा परसेंटेज, तो हमने कहा इक्वल टू और यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे हमें देखना है कि कौन सी सेल वैल्यू को लेकर चलना है। मान लीजिए मैथ को लेकर चल रहे हैं तो हम रो के अंदर इसकी सेल वैल्यू को लेकर चलते हैं 50, 60, 70, 80 और यहाँ पर 90 रख लिया। इसी तरीके से दूसरी सेल वैल्यू संस्कृत की हमने यहाँ पर रखी 35, 45, 55, 65 एंड 75। तो अब इसके ऊपर हम डेटा टेबल अप्लाई करेंगे, सिलेक्ट कीजिए इसे और सिंपली डेटा के अंदर जाइए बट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल। यहाँ पर रो के अंदर हमने नीचे क्या दिया है, यहाँ पर हमने दिया है मैथ की वैल्यू, तो रो में सिलेक्ट कर दीजिए मैथ। ओके, सिमिलरली कॉलम के अंदर हमने क्या दिया है संस्कृत, तो कॉलम में संस्कृत सिलेक्ट कर दीजिए और ओके प्रेस कर दीजिए। अब ये देखिए जब मैथ में 50 थे और संस्कृत में 35 थे तो हमारे पास रिजल्ट 70 आ रहा था, सेम 70 है, दैट मीन्स आवर रिजल्ट इज वेरीफाइड। एंड फॉर द मैथ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज एंड फॉर संस्कृत डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट। ओके, सो इस तरीके से आप डेटा टेबल को एक सिंगल वैल्यू के लिए या मल्टीपल वैल्यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग वेरियस टूल्स ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस इन एक्सेल एट आर यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। अगर आपने अभी तक प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोज को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स अगेन।